कैसा रहा मैच? बहुत बढ़िया, मैं कनाडा से स्पेशली वर्ल्ड कप देखने आया इंडिया। भाई साहब एक सेकंड मैं रोक रहा हूँ, इतना अच्छा लग गया ना, अहमदाबाद हम गए, पता चला कोई सिडनी से आया हुआ है, कोई न्यू जर्सी से आया हुआ, यहाँ कनाडा। चलिए, क्या रहा मैच में? मैच में बहुत बढ़िया, कोहली की आज सेंचुरी नहीं हो पाई मगर कोहली ने आज मैच जिता दिया और जडेजा ने बढ़िया साथ दिया, बढ़िया बॉलिंग रही, ओवरऑल बहुत मजा आया मैच देख के। शमी का फाइवर, हाँ बहुत मजा आया, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की शमी ने और पूरे पैसे वसूल हुए आज। क्या लग रहा है, शमी लगातार खेलेगा, मौके मिलेंगे? हाँ, अब खेलना तो चाहिए उसको, शार्दुल को पहले भी ये लोग पूरे ओवर नहीं दे रहे थे तो आज शमी ने पूरे ओवर भी कराए और 5 विकेटें भी ली, तो डेफिनेटली आगे वो खेलेगा। अच्छा, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं हमसे मिल रहे हैं, सबसे बस एक चीज़ पूछता हूँ, खर्चा कितना होता है ऐसे मैच देखने आने? खर्चा कुछ नहीं करा, नहीं मेरा खर्चा नहीं है, ये तो मेरे दोस्तों ने आज मेरे लिए स्पॉन्सर किया हुआ था, मैं तो बाहर से आया, मेरे को आते ही टिकटें दिला दी और बॉक्स में बैठ के बढ़िया क्रिकेट देखा और क्रिकेट का मजा लिया, जो भी खर्चा किया दोस्तों ने किया। टिकट सुबह जब हम लोग घूम रहे थे बहुत सारे लोग परेशान थे, तो क्या जुगाड़ था, कैसे मिल गई टिकट? बस पहले से ले रखी थी? हाँ, 3 महीने से लगे हुए थे। चलिए, थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा टीम, बहुत अच्छा खेली एंड वी हैव कम ऑल द वे फ्रॉम दुबई। दुबई हम लास्ट वीक भी थे अहमदाबाद में, इंडिया पाकिस्तान के, दिस वीक वे अगेन बैक एंड अभी शायद नेक्स्ट वीक संडे को मे बी लखनऊ भी चलना है, लखनऊ फिर मिलेंगे। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड द मैच वाज फैंटास्टिक। कहां से आए आप लोग? आई एम फ्रॉम बॉम्बे, ही इज फ्रॉम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से मैच देखने आए? हां यार, हमारा गैंग जो है पिछले 3 वर्ल्ड कप साथ में मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अब इधर सब जगह घूम के, वी आर ब्रदर्स, वी बिलीव इन द इंटेग्रिटी ऑफ द वर्ल्ड, सो एनी मैच वी गो टू यू विल फाइंड बोथ द कंट्रीज प्लेइंग। तो ऐसी कितनी टोपियां हैं आपके पास? हमने इंडिया पाकिस्तान की बनाई है, इंडिया न्यूजीलैंड की बनाई, हमारे लिए ये प्रॉक्सी फाइनल था, इसलिए ये मैच बड़ा मैच था, बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण था। कैसा लगा ये मैच? बहुत अच्छा, ये फाइनल की तरह ही रहा, छोटा स्टेडियम था फिर भी काफ़ी रन्स भी इतने नहीं बने, इतने मुश्किल से बने, तो बहुत बढ़िया मैच रहा, हमारे लिए प्रॉक्सी फाइनल ही था। तो आप लोग वर्ल्ड कप देखने स्पेशली आए हो? हाँ, 4 साल हम वर्ल्ड कप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, 35 साल की दोस्ती है, निभाना पड़ता है, ब्रदर्स है हम सब, सो वी मीट टुगेदर एवरी 4 इयर्स, प्लान अ नाइस वेकेशन विद द वर्ल्ड कप, इट्स बीन ब्रिलियंट। अच्छा, मुझे कोई बता नहीं रहा, लोग कैलिफोर्निया से मिलते, हर जगह से मिलते, मेरा फ़ोन आपके पास होगा, तेरे पास है ना? हाँ, लगातार लोग मिले अहमदाबाद में, कई लोग मिले, कोई एल से आया है, कोई न्यू जर्सी से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से चला आया, कोई ये नहीं बता रहा खर्चे कितने होते हैं इसमें? पूछिए मत, वी डोंट ब्रिंग मनी विद दिस, दिस इज इमोशन, क्रिकेट हर को, अच्छा हर कोई यही कह रहा है इट्स अबाउट इमोशन, कम्प्लीटली। हम तो बम्बई के हैं, हम बम्बई दिल्ली के बीच रहते हैं, लेकिन ये लोग, ये जो आते हैं अमेरिका से आते हैं, दूसरे एक फ्रेंड है, हम बैचमेट्स हैं, वो तो अटलांटा से आते हैं, पर 4 साल में एक बार एक तरफ का पिलग्रिमेज है हमारे लिए क्रिकेट, तो आ जाते हैं, अभी पिलग्रिमेज में कोई खर्चा नहीं पूछता। ये भी ठीक है यार, मुझे बहुत गालियाँ पड़ती इस सवाल के लिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि क्या पता कोई बता दे। खैर, ये मैच आपने देखा, सबसे सही चीज़ क्या लगी इस मैच की, अगर एक लाइन में बताना हो? सबसे सही चीज़ अगर एक लाइन में बताना हो इस पूरे मैच? सबसे सही चीज़ तो मोहम्मद शमी की बॉलिंग थी, जैसे उन्होंने ऑलमोस्ट हैट्रिक ले ली थी तो उसमें गेम पूरा पलट गया, बट सबसे महत्वपूर्ण मेरे मन में तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग थी, जिस तरीके से वो फील्डिंग किया उन्होंने, और लोग कह रहे थे ग्राउंड जरा डेंजरस है, सॉडस्ट है, उनका उसका कोई परवाह नहीं था, हमें नहीं लगा कि ये जोखिम भरा ग्राउंड था, तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग सबसे महत्वपूर्ण थी हमारे मन में। क्या लग रहा है? तो विराट कोहली का रेजिलियंस, फॉर ऑल ऑफ अस वी हैव टू लर्न फ्रॉम विराट कोहली, लाइफ विल बी फिल्ड विद हाइज एंड लोज, you have to fight through it tenaciously and you will make it successful in the end. Beautiful. Virat Kohli, Mohammad Shami pehli baar is world cup mein khele, ab kya lag raha hai, ab gaadi rukegi nahi, lagatar khelega Shami? Shami is a really important asset for the team, again use him strategically, leave it to the team management, they are very smart people, they'll take care of it. aur unne palle ke sath bhi bahut acha pradarshan kiya hua hai, mere khayal se ab tik jayenge. acha, ye Mia bhai lagatar achhi bowling karte hain na, Siraj, क्या इम्प्रूव किया इस लड़के ने अपना गेम, कितना अग्रेशन के साथ जिस तरीके से लाइन लेंथ पकड़ के चल रहा है, आप वोबल सीम करा लो, आप क्रॉस सीम करा लो, कुछ भी करा लो, जिस तरीके से बाबर आजम को बोल्ड मारा था आपने, तो देखा था वो मैच, क्या लग रहा है ये लड़का, ये हो गया शमी, हो गया और बुमराह हो गया, ये आपके तीन हैं, लेकिन तीनों के साथ खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में, ऐसी कोई पिच मिलेगी हमें? मुश्किल है, इंडियन पिचेस में तो मुश्किल है,
लेकिन फिर भी तीनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और सिराज जो है इमोशनल है, कपिल देव की तरह इंस्टिंक्टिव प्लेयर है, जबकि शमी थिंकिंग प्लेयर है और बुमराह बहुत ही खूब है। तो अगर ये तीनों की कॉम्बिनेशन बनी रहे जैसे भी पिच हो, आई थिंक इंडिया अभी एक तौर से जो वेस्ट इंडीज़ थी 1980s में, उस तरह का टीम बना हुआ है इंडिया हमारे मन में। सो हमें लग रहा है ये तीन फास्ट बॉलर्स और दो स्पिनर्स चालू ही रहेगा। फियर, एकदम फियर पैदा कर देते जब भी जाते सामने वाली टीम, पहले ही डर जाती भाई इंडिया तो आ गई। दैट्स राइट। और फील्डिंग भी इंडिया की बहुत खूब रही। तो ये कॉम्बिनेशन जो है शमी और सिराज और बुमराह, आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक द 1980s वेस्ट इंडीज़ टीम। अच्छा, पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा था हमारे पास नंबर चार नहीं था, इस वर्ल्ड कप में ऐसी कोई कमी दिख रही है आपको? वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर वेरी फोकस्ड एंड वी हैव अ ग्रेट कोच, वी आर ऑल सेट, वी विल डू वेल। थैंक यू।